नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। कश्मीर डायरी के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर सरकार ने 9 कर्मचारियों को किया बर्खास्त। आवास और शहरी विकास विभाग के 9 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां जम्मू कश्मीर सरकार ने समय पूर्व सेवानिवृत्त के भी आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर, कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने समय पूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश दिए, जिसको लेकर भ्रष्टाचार यहां पर किया जा रहा था, और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से की गई, जहां 9 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि वो 9 कर्मचारी कौन है और इसकी आखिर मुख्य वजह क्या है, इसको लेकर भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ी यहां पर कार्रवाई की है और आने वाले समय में एक बड़ा मैसेज भी देते हुए नजर आए हैं कि भ्रष्टाचार के जो 9 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, अब आने वाले समय में और कोई भ्रष्टाचार का मामला कर्मचारियों की तरफ से निकलकर सामने ना आए, क्योंकि अगर आता है तो यहां सख्ती से एक बार फिर कदम उठाया जा सकता है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाया है, जहां जम्मू कश्मीर सरकार ने समय पूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश दिए थे। भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला था, जिसको लेकर एक बड़ी यहां पर एक्शन लिया गया है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से। 9 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। आवास और शहरी विकास विभाग के ये 9 कर्मचारी थे, जिन्हें फिलहाल जम्मू कश्मीर की सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ ज्योति पचनंदा, ब्यूरो चीफ, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्योति, जम्मू कश्मीर सरकार ने मांग को लेकर फिलहाल 9 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, पहले तो मुख्य वजह क्या यही है, भ्रष्टाचार, या आने वाले समय में नामों में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी हो सकती है? 9 कर्मचारी जिनको बर्खास्त किया गया है, इनकी रिकमेंडेशन भ्रष्टाचार के मामले में पहले थी। ये विजिलेंस विभाग द्वारा या एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा ये पहले इन पर काम चल रहा था, और पूरी तरह जांच के बाद जब इनमें इनको संलिप्त पाया गया है तो ही इनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी गई है, बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन इनको पेंशन रेगुलर रहेंगी, इनकी पेंशन में इनमें कटौती नहीं की गई है। इनको जो लगातार जो एक सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है वो इनको जारी रहेगी, लेकिन ये 9 कर्मचारी प्री मैच्योर ही इनको बर्खास्त कर दिया गया है। और ये सभी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से थे, और सभी पर ही पहले विभिन्न विभागों द्वारा, जांच एजेंसियों द्वारा इन पर कार्यवाही की जा चुकी थी। कई इनमें अरेस्ट भी हुए थे और कईयों पर जो इन पर आरोप थे वो सिद्ध भी हो चुके थे, जिसके चलते हुए इनको बर्खास्त कर दिया गया है। बिल्कुल, जिस तरह से एक बड़ा एक्शन यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने लिया, ज्योति, साफ तौर पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक मैसेज भी यहाँ पर दिया है, ताकि इस तरह के मामले, जो भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी हो रही है, इस तरह का मामला एक बार फिर सामने ना आए या किसी भी तरह से पुनरावृत्ति ना हो इस मामलों के। देखिए, निसंदेह एक मैसेज है कि भ्रष्टाचार को किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। आपने देखा होगा कि किसी भी तरह का गैर जिम्मेदाराना काम, जैसे कुछ दिन पहले डॉक्टर्स, लगभग 112 डॉक्टर्स को पूरी तरह से उनकी सर्विसेज को बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज पर नहीं आ रहे थे काफी, और उन पर एक्शन ले तरह से उनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर, इसी तरह ये कर्मचारी थे, ये में स्लिप्त थे, और पूरी तरह की शासन पूरा ध्यान में रखते हुए, चाहे वो भ्रष्टाचार अनुपस्थिति का मामला हो, इन पर गौर किया जा रहा है और जो जिन पर जो उचित कार्रवाई है वो की जा रही है। बिल्कुल ज्योति, आगे किस तरह के और बड़े और सख्त एक्शन लिए जाते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। अब बात करेंगे कश्मीर डायरी की, जम्मू कश्मीर में किस तरह की अपडेट है, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी पहल, और आपको बता दें कि शाल्टिंग में ड्रेनेज योजना के तहत 2 प्रतिष्ठित परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी शिलान्यास किया है। तो श्रीनगर स्मार्ट सिटी पहल का उद्घाटन यहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हाथों किया गया। हालांकि एक बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर वासियों को दी गई, जहां इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी इस दौरान शिलान्यास उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है।
वहीं दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह G20 की बैठक अगले साल जम्मू कश्मीर में होने जा रही है और इसके लिए 5 सदस्य उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। जम्मू कश्मीर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जहां पिछले साल सितंबर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने इसके लिए आदेश भी जारी किया है। आदेश में यह कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर होने वाली G20 बैठकों के समग्र समन्वय के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दी जाती है। तो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर किस तरह से सुदृढ़ करना है, इसको लेकर विदेशों में एक G20 समूह की बड़ी बैठक होती थी और अब ऐसे में जम्मू कश्मीर का चयन यहां पर हुआ है, यानी कि अगले साल 2023 में G20 समूह की एक बड़ी बैठक घाटी में होने जा रही है। श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कड़ी मशक्कत के बावजूद भी नहीं खुल सका है। आपको बता दें कि इससे कई गाड़ियां रास्ते में ही फंसी हुई हैं और लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद फिलहाल नहीं मिल रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से तोल्डी नाला क्षेत्र में भूस्खलन से पहाड़ का हिस्सा खिसक कर राजमार्ग पर आ गिरा था, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया था, जिसके बाद हाईवे को साफ करने का काम युद्ध स्तर पर अभी भी बदस्तूर जारी है। वहीं डिवीजनल कमिश्नर जम्मू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए समरौली में राष्ट्रीय राजमार्ग का दौरा भी किया और इसी के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर गैमन आलोक ने साइट पर कमिश्नर को यह बड़ी जानकारी दी और कहा कि सड़क की बहाली के बाद यात्रा करने वाले वाहनों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो लगातार जो जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही थी, हालांकि कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पनप गई थी, लेकिन इस बीच भूस्खलन की खबरें लगातार सामने आ रही थी, जिसके चलते पहाड़ की एक चोटी नीचे गिरी और ऐसे में जो राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर का था वो फिलहाल पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि एक हफ्ते से ज़्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है और ऐसे में लगातार जो अमला है उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग जो बंद हो चुका है उसको यहाँ से पूरी तरह से रास्ते को साफ कराया जाए, ताकि जो आवाजाही में जो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है उससे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अमला पहुंच तो रहा है, लेकिन इस बीच प्रशासनिक अमले की तरफ से फिलहाल किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की है, ये बड़ा आरोप वहां मौजूद लोगों ने लगाया है। एक बार फिर संवाददाता ज्योति पचनंदा का रुख करते हैं, ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा का रुख करते हैं। ज्योति, जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे अभी भी बंद है, हालांकि कड़ी मशक्कत की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हाईवे नहीं खुल रहा और जाहिर सी बात है कि ऐसे में अब आम जनता को जो वहां के आवाजाही के लोग हैं उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन इस बीच एक बड़ा आरोप लोगों की तरफ से ये लगाया गया है कि प्रशासनिक अमला किसी भी तरह की मदद नहीं कर रहा। इस पूरे आरोप के बाद क्या कोई रिएक्शन सामने आया और फिलहाल वजह क्या बताई जा रही है? अक्सर जम्मू में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कभी भूस्खलन की वजह से, कभी बर्फबारी की वजह से बंद होता रहता था। अब चूंकि काफी टनल्स बन रही हैं और कई ऐसे रास्ते हैं जहां बर्फबारी असर नहीं करती, लेकिन भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग जरूर आज 5वें दिन बंद है और ऐसे में सिर्फ एक जगह नहीं, ये 30 से अधिक स्थानों पर लैंडस्लाइड और जमीनें खिसक जाने की वजह से हाईवे बंद हो गया था, जिसमें जो गाड़ी जहां थी वहीं रोक दी गई। तो निसंदेह असुविधाएं रहती हैं, लेकिन जो मालवाहक गाड़ियां जैसे ट्रक हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ये अपने साथ इस तरह का थोड़ा बहुत राशन या गैस स्टोव कुछ इस तरह की चीजें साथ में कैरी करते हैं कि कभी मार्ग अवरुद्ध हो जाए। लेकिन अब 5वां दिन आज बंद हो गया तो इतना बिल्कुल 5वां दिन है और ऐसे में किसी भी तरह से आवाजाही पर अभी कोई भी यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और कब तक ये रास्ता खुलता है राष्ट्रीय राजमार्ग, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। ज्योति, आप हमारे साथ बने रहिए और भी तमाम खबरों पर अपडेट लेंगे। जी आइए।
वहीं जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमार कार्रवाई अभी भी बदस्तूर जारी है और आज भी एनआईए ने कश्मीर के 6 और जम्मू के 1 जिले में छापेमारी की है। बताया ये भी जा रहा है कि आतंकी मामले में जांच के सिलसिले में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी बुधवार को घाटी में एनआईए ने 11 स्थानों पर छापा मारा था। वहीं इस पूरे मामले पर एनआईए प्रवक्ता ने बताया था कि टीआरएफ मामले में श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा और गांदरबल में आतंकी संगठन से जुड़े कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया जहां टीआरएफ आतंकियों के रहने और खाने पीने का प्रबंध करने के साथ ही हथियार और गोला बारूद उन तक पहुंचाता था। एनआईए की तरफ से लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है और ऐसे में एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया, क्या अपडेट? लगातार एनआईए विभिन्न केसेस को लेकर कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है और ये पिछले कई दिनों से लगातार ऐसा हो रहा है। कोई ना कोई व्यक्ति भी हिरासत में लिए जाते हैं, कुछ मोबाइल फोन या कुछ जैसे आपत्तिजनक सामग्रियां भी एकत्रित की जाती हैं, सीज की जाती हैं अगली जांच के लिए। लेकिन आज 6 जिले ऐसे थे कश्मीर के जहां एनआईए ने छापेमारी की है और एक कठुआ जिले में भी छापेमारी की है। निसंदेह एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया और कई आपत्तिजनक सामग्री भी उन्होंने सीज की है और ये अभी उन्होंने बिल्कुल शेयर नहीं किया है कि ये जो छापेमारी हो रही है ये किस सिलसिले में हो रही है। निसंदेह हमें जो अपने सोर्सेज से मालूम चला है कि ये देश मिलिटेंसी के चक्कर में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, साजिश करते हैं राष्ट्र के खिलाफ, उन मामलों में जो एफआईआर दर्ज हुई है उनके चलते हुए जो जांच के बाद जो लोगों के नाम सामने आते हैं उनके वहां ये रेड की जा रही हैं। लेकिन अभी उन्होंने इस तरह का कोई पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है कि किन किन लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन इतना तय है कि 7 जिलों में इन्होंने लगभग 11 जगहों पर आज छापेमारी की। बिल्कुल, साफ तौर पर ये भी कहा जा सकता है ज्योति कि अब आने वाले समय में एनआईए की छापेमार कार्रवाई इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगी। तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। अब बात अगली खबर की, जहां पीओ जेके के रिफ्यूजियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार ने हमें 30-30 लाख रुपए देने का जो वादा किया था लेकिन हमें सिर्फ 5.5 लाख ही दिए गए हैं। इसके साथ ही महंगाई के दौर में इतने में ना तो घर बन पाता है और ना ही जमीन ली जा सकती है। ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली, यूपी और हरियाणा में रह रहे रिफ्यूजियों को भी केंद्र सरकार राशि दे, क्योंकि वो लोग भी बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में या तो पीओके को वापस लिया जाए या फिर यहीं पर हम लोगों को 12 सीट दी जाए जिससे हम भी अपना नुमाइंदा असेंबली चुनावों के लिए खड़ा कर सके जो हमारी मुश्किलों को हल कर पाए। तरान में फाइलें जो है डीसी सांबा, डीसी कठुआ, डीसी जम्मू के पास पड़ी हुई है, वो कब क्या होगा? इन्होंने अभी कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं है। लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, कब तक इंतजार करेंगे? इसलिए हम चाहते हैं इसकी एक्सटेंशन दी जाए, टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। जब तक ये काम पूरा नहीं होता है तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अगली बात, वो लोग जो के राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में बैठे हुए हैं उनके बारे में इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। उनको भी इन्होंने पारसी बनाई जाए, उनको भी 5.5 तो दिया जाए, बाद में देखेंगे, लेकिन वो इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। अगली बात, वो लोग नॉन कैंप खासकर जिनके पास एक मरला ज़मीन नहीं है वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या बराबरी हुई? एक आदमी को आप फुलका देते हो, एक को आधा देते हो, एक को चौथा हिस्सा देते हो, एक को एक लुकमा देते हो, ये कहाँ का इंसाफ है जी? कौन इसको बर्दाश्त करेगा? वहीं जम्मू में समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सांसद जुगल किशोर की अध्यक्षता में हुई है, जहां सांसद ने बैठक में मौजूद आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सेवा और समर्पण भाव से काम करें और जम्मू में चल रहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे IIT, IIM और विकास कार्यों को समय पर ही पूरा करने का प्रयास भी करें। अगर इन कार्यों को पूरा करने में सांसद का कहीं योगदान चाहिए तो वो पीछे नहीं हटेंगे। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का हर लाभार्थी को समय पर लाभ मिलना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता और जम्मू म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने जम्मू में स्थित अमरनाथ यात्री निवास का दौरा किया। ये दौरा यात्रा के दौरान साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए किया गया, जहां प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार की यात्रा सामान्य यात्रा से अधिक होगी। और इसी पर जम्मू के मेयर ने भी कहा कि जिस तरह से इस समय पत्नी टॉप और कश्मीर में किसी होटल में रहने की जगह नहीं है, इसी तरह से अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु भारी मात्रा में आने वाले हैं और उनके आने से पहले प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए हम ये सारे कार्य कर रहे हैं। कश्मीर डायरी के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।